क्या आप बवासीर यानी पाइल से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्त या कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207430058। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि साउथ वेस्ट आईपीएस ऑफिसर जिसका नाम किरण खीरे, उन्होंने जो है आज राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की है। कहीं पर बाप राउडी शीटर होता है तो बेटा वकील हो जाता है, क्योंकि बाप को बचाने के लिए बेटा भी आ जाता है। खैर बहरहाल जो भी हो, बेटे को तो अच्छी तालीम दी है। खैर एक राउडी शीटर है जिन्होंने जो है 2011 में कुछ कत्ल का मामला किया था, बात उसके जो है उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनको भी बुलाकर उनकी भी काउंसलिंग की गई। तो वही खबर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आईपीएस ऑफिसर ने जो है राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की है। राउडी शीट कब से है? 2008 से। कौन से केसेस है? नाम से है। कितने केसेस है? लास्ट केस कब है? लास्ट। अच्छे से रो थोड़ा सा, ठीक है? आपने बच्चे है कि नहीं तुम्हें? कितने बच्चे हैं? बेटी एक बेटा। कितने साल के? 16 साल की बच्ची है, 16 साल का बच्चा। अच्छे से नहीं रहने का बच्चे को? हाँ। क्या दारू पी के आयोगे अभी? नहीं। हाँ सुबह से। क्या सुबह से पी के बैठा क्या? हाँ फिर नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद नबी। हाँ कौन से केसेस तुम पे? कुछ भी नहीं है सर अभी नहीं। अरे ऐसा राउडी शीट ओपन हुआ क्या? अब फिर कुछ भी नहीं क्या? हाँ कितने केसेस है अभी? नहीं सब थे था। थे था। अरे कितने केसेस है टोटल? पाँच छः। हाँ कब का मर्डर केस है? 11 का है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कहाँ पर मर्डर किया था? हाँ रिंग रोड पे। क्यों? मारने आए थे आपस में, मार दिया तो लग गया सर। कैसे मारा? रॉड से मारा। रिंग रोड पे रॉड लेके गए थे क्या? मारने आए थे, लड़ाई में मिल गया था। लास्ट केस कब का है? लास्ट 11 का है सर। 11 का है। इसका सन एडवोकेट है सर, इस सन गुड़ीमल का। इसका बेटा अपने पास मेंटेन है। इसका बेटा क्या? एडवोकेट है। अच्छे से रहो फिर तो। हां अपने अच्छी जिंदगी जो हाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तुम्हारा कितना उम्र कितना है? हाँ 20। वो भी मैं था परसों तक, इसमें 5-6 दिन पहले अपन कहाँ पे भाग गए थे? तो उस टाइम मैं बात करने जाता सर, तो वो टाइम मेरे पर अटैक हुआ सर। उसके बाद मैं मेरे हाथ से आगे लग गया। कितने केसेस टोटल? एक केस कितने केसेस है? 307 है। 2019 से उसके बाद मैं 4 साल बेंगलुरु वर्क करा सर एज एन प्राइवेट एम्प्लॉई। उम्र कितना तुम्हारा? शादी हुआ कि नहीं तुम्हारा? तो नहीं करना क्या? नेपाल आ रही है। नेपाल का है? अच्छा अखिल क्या कितने केसेस है? एक केस है। कौन सा? 302 मर्डर केस। कहाँ पे किया था? लकड़ी का पुल के पास। कब? 2015 में। कितने लोग थे मारने के लिए? 5 लोग मिलके मारे। क्यों? दुश्मनी थी। कौन सी दुश्मनी? बिजनेस के में दुश्मनी हो गई। कौन सा बिजनेस तुम्हारा? कपड़ों का कारोबार। कैसे मारा? रॉड से मारा। रॉड से? और चाकू से? रॉड से मारा। बाद में कोई केसेस? बाद में केसेस कुछ है? बाद में नहीं है। कुछ भी नहीं, पेटी बिजनेस कर लेते हैं। हेलमेट चार्जर कवर्स। तेरा नाम क्या है? कितने केसेस? उम्र कितना है? 22 ईयर्स। क्या काम करते हो? कौन सा केस है तुम पे? मर्डर केस। कब किया? 17 साल की उम्र में। मैंने करा हाँ सर्कल में 8 मेंबर्स है। हाँ तो इसमें से एक जने मारे पूरों को। पता पोल्यूशन छतरी नाका में। कैसे मारा? नाइफ से मारा। उन्होंने मारे कोई? उसका कितना उम्र था? उनका भी सेम उम्र 18 साल का। वो भी दोस्त था तेरा? क्या दारू पी के मारा? फिर बैजम्बाजी में मार दिया जिसका डेथ हुआ वो 24 ईयर्स। कितने और केसेस है इस पे? पुराना वो एक ही साल छतरी नाक में।
जब से बच्चों के जेल गया, किधर गया? चंचलगुड़ा आया था। अभी भी केस चल रहा है तेरा? अच्छे से रहो अभी। हाँ, ये तो फिर से जेल में जाओगे क्या? रहना अच्छे से प्रॉपरली। क्या बिजनेस? पढ़ाई चल रहा है। क्या पढ़ रहा? बीकॉम। तो टैटू किसका? क्या टैटू है? हाँ, क्या है वो? और कहाँ पे टैटू? ये क्या टैटू है? हाँ, मतलब पढ़ता रहता है बस 10 इयर्स। ये क्या है? क्यों मार लिया ये? क्यों मारा है ब्लेड से? हाँ, छोटा बच्चा था इस हाथ का दिखा? अरे दिखा रहे, ये दिखा, निकाल। और कहाँ पे? ये बाली वगैरह क्या रखा है? ये निकाल फेंकना इसमें। तू क्या रख रहा? बोल बता। ये सेंट एंस कॉलेज में कैंटीन में काम। इसका थोड़ा हेयरस्टाइल कम करो। ये पूरा मुस्ताज वगैरह निकालना, इसका अच्छे से रहना। ये जो है ना इधर का स्टाइल वगैरह वो दिखना नहीं चाहिए अभी। ये टैटू वगैरह बंद करो इसको, ये निकाल के फेंको उसको। क्या है क्या नहीं वो ट्रीटमेंट करना प्रॉपरली। ये बाल को क्या कलर लगा के रखा है? क्या हीरो है क्या? अब फिर हीरो है क्या? खुद को समझते हैं। एक कल इसको लाओ पुलिस स्टेशन में। क्या है क्या नहीं, पूरा हेयर कट होना चाहिए इसका। इसका आगे दिखना नहीं चाहिए कलर वगैरह। अभी सर अच्छे से रहो, ठीक है? ठीक है, ओके। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियसिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207430058।